नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग MS वर्ड से और उसको इंस्टॉलेशन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विकास मोबाइल एंड प्रेस ने कमेंट किया है कि सर विंडोज 7 में MS वर्ड इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे पहले विकास मोबाइल एंड प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं कि विंडोज 7 में आप MS वर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो देखिए विकास जी, सबसे पहली बात तो ये है कि MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, उसी के अंदर ही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है, ये तमाम एप्लीकेशन उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर ही रहता है। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो आपके पास वो सीरियल की होना चाहिए प्लस उसका सेटअप फाइल होना चाहिए, तभी आप उसको इंस्टॉल कर पाइएगा। तो चलिए, मेरे पास है ऑलरेडी, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है बहुत इजी है, आसान है। अभी तो लेटेस्ट वर्जन बहुत सारे आए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस फोल्डर में, देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑफिस 2007 ये फोल्डर है मेरे पास, इसी के अंदर वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑफिस का सेटअप फाइल है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे उसी फोल्डर के अंदर, देखिए यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। तो जब भी जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उसका एक सेटअप फाइल होता है प्लस सीरियल नंबर भी दिया हुआ होता है। तो इस सेटअप फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूँ, दो बार लेफ़्ट क्लिक किया, करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और आपसे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू दिस कंप्यूटर, प्रोग्राम नेम, वेरीफाइड पब्लिशर, फाइल ओरिजिन, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आपको यस पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको सीरियल की मांगेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने यस पे किया, करने के साथ देखिए एक और एक आपका ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरप्राइजेस 2007। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर योर प्रोडक्ट की, अब यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ बिना वो प्रोडक्ट की को आप इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने कहीं से लिया है, तो वो तो मैं आपको सीरियल की दिखा नहीं सकता। चलिए मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ पुट करके, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की पुट कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए टिक मार्क, यहाँ पर ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, टिक मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है वह सही है। उसके बाद कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चूज़ द इंस्टॉलेशन यू वांट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ चूज़ योर प्रीफर्ड टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरप्राइजेस प्राइस 2007 इंस्टॉलेशन बिलो, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, डायरेक्टली अगर इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं कि कहाँ इसको इंस्टॉल करना है और कुछ नाम वगैरह देना है तो कस्टमाइज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ पे क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉलेशन ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या ये पैकेजेस हैं, यहाँ पे देखिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, ये तमाम चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे फाइल लोकेशन है। तो जिस जगह आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो रहा है तो वो यहाँ पे वो ड्राइव शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो सी में प्रोग्राम फाइल्स में ही ये इंस्टॉल मेरा हो रहा है। आप यहाँ से ब्राउज करके भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स बता रहा है कि स्पेस रिक्वायर्ड फॉर लोकल इंस्टॉलेशन सोर्स इतना बोल रहा है, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम इतना, टोटल स्पेस रिक्वायर्ड इतना बता रहा है, स्पेस अवेलेबल इतना MB का स्पेस है हमारे पास। उसके बाद यूज़र इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, टाइप योर फुल नेम, इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना होता है, इनिशियली सिग्नेचर देना होता है, या ऑर्गेनाइजेशन जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है INSTITUT इंस्टीट्यूट कर दिया, नाम दे सकते हैं या पर्सनल लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए प्रोग्रेस बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, तो आपके मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितना कैसा है, प्लस आपका रैम कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फाइनली आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे देखिए चल रहा है, हो रहा है मेरा इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये देखिए ग्रीन कलर का आपको देखिए एक बार यहाँ पे जो वाइट बार था देखिए उसके अंदर ये ग्रीन बार यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ तक ये आना चाहिए, तब पूरा का पूरा इंस्टॉल मेरा हो जाएगा। पूरा ऑफिस पैकेज के अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और भी बहुत सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो सब भी इसके अंदर इंस्टॉल होता है ऑफिस पैकेज के अंदर, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और यहाँ तक देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरप्राइज का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे शो करेगा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरप्राइज 2007 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब ये आपका वर्ड के साथ साथ जो भी अदर्स एप्लीकेशन जो भी है वो सब भी इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पे बोल रहा है फ्री प्रोडक्ट अपडेट्स, और जानना चाहते हैं तो गो टू ऑफिस ऑनलाइन, तो आप जा सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से, और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन क्या क्या है वो सब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद को फाइनली क्लोज पे क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसके प्रोग्राम लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में हम लोग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे तमाम वो चीज़ें हैं जो तमाम जो एप्लीकेशन है, जो ऑफिस का जो जो पैकेजेस है, जो जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वो शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं। प्रोसेस सबका सेम टू सेम ही है, लेकिन आपके पास वो इंस्टॉलेशन ऑफिस का ये होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए, प्लस आपका की होना चाहिए, जिसे हम लोग सीरियल की नंबर बोलते हैं, वो होना चाहिए, तभी आप इंस्टॉल कर पाइएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में, विंडोज 7 के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।